चलिए, लास्ट क्लास में दोस्तों हम डिस्कस कर रहे थे इशू ऑफ शेयर फॉर कैश और उसके टर्म्स को डिस्कस कर रहे थे कि दो तरह से शेयर को इशू किया जा सकता है। एक था इशू ऑफ शेयर फॉर कैश एट पार का क्या मतलब था, हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था कि जब भी आप शेयर को इशू करते हैं उसके फेस प्राइस के इक्वल वैल्यू पे, सपोज 10 रुपये हमारा फेस प्राइस है और 10 रुपये में ही हम इशू कर रहे हैं पब्लिक को, तो इसे हम कहते हैं इशू ऑफ शेयर एट पार। दूसरा तरीका होता है शेयर को इशू करने का, इशू ऑफ शेयर एट प्रीमियम। तो आइए सबसे पहले समझते हैं इशू ऑफ शेयर एट प्रीमियम का क्या मतलब होता है और फिर हम बाकी बातें करते हैं। चलिए, इशू ऑफ शेयर एट प्रीमियम मीन्स इशू प्राइस ऑफ द शेयर इज मोर देन इट्स नॉमिनल फेस वैल्यू। जब भी कभी आप किसी शेयर को इशू करते हैं, मान लीजिए कि फेस वैल्यू 10 था और आप इशू कर रहे हैं 15 पे, इशू प्राइस है 15 या 11 पे या 10.5 पे या 12 पे, 10 से ज्यादा पे जब भी आप शेयर को इशू कर रहे हैं तो वो कहलाता है इशू ऑफ शेयर एट प्रीमियम। ठीक है, अब आइए कुछ पॉइंट्स पढ़ते हैं। प्रीमियम रिसीव्ड बीइंग अ कैपिटल रिसीव्ड, दो तरह के रिसीप्ट हमारे होते हैं, 11th क्लास में आपने पढ़ा होगा। एक होता है हमारा कैपिटल रिसीप्ट और एक होता है हमारा रेवेन्यू रिसीप्ट। दोनों का फर्क होप आपको पता हो। रेवेन्यू रिसीप्ट का क्या मतलब होता था, जो डेली बेसिस या जो कह सकते हैं जो बिजनेस में फ्रिक्वेंट हो, जो बिजनेस के मेन लाइन ऑफ एक्टिविटी से रिसीव होने वाली रिसीप्ट थी उसे क्या कहते थे हम, रेवेन्यू रिसीप्ट। लेकिन जो बिजनेस में फ्रिक्वेंट ना हो, कभी कभार होने वाली घटनाएं क्या कहलाती थी हमारी, कैपिटल नेचर की घटनाएं। तो बताइए ये प्रीमियम जो रिसीव होगा ये रेवेन्यू नेचर का रिसीप्ट होगा या कैपिटल नेचर का, तो ध्यान रखिएगा ये एक कैपिटल रिसीप्ट है, सो इट इज टू बी क्रेडिटेड टू, इसलिए ये क्रेडिट होगा कहाँ, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट एंड इट इज नॉट अ पार्ट ऑफ शेयर कैपिटल। ध्यान रखिएगा शेयर से रिसीव होने वाला हर पैसा शेयर कैपिटल का पार्ट होता है, लेकिन जो प्रीमियम रिसीव होगा उस शेयर के अगेंस्ट में वो शेयर कैपिटल का पार्ट नहीं होगा। ठीक है, चलिए आगे आइए। नेक्स्ट पॉइंट, इफ द क्वेश्चन इज साइलेंट इट इज एज्यूम्ड दैट द अमाउंट ऑन सिक्योरिटी प्रीमियम इज कलेक्टेड अलोंग विथ अलॉटमेंट मनी। मान लीजिए आप इंस्टॉलमेंट पे रिसीव कर रहे हैं, तो डिफरेंट स्टेजेस होते हैं, एप्लीकेशन होता है, अलॉटमेंट होता है, देन मान लीजिए फर्स्ट कॉल हो, फिर फाइनल कॉल हो, इस तरह की यदि बात हो और ये गिवन ना हो कि प्रीमियम का अमाउंट आप कहाँ पर रिसीव कर रहे हैं, तो हमेशा यह ध्यान रखिएगा कि प्रीमियम का पैसा हमेशा किस स्टेज पर रिसीव होगा, अलॉटमेंट के स्टेज पे। प्रीमियम का पैसा हमेशा अलॉटमेंट पे, यदि कोई अदर स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शन ना हो तो। तो प्रीमियम का मतलब क्या होता है, जब भी शेयर को आप उसकी फेस वैल्यू से ज्यादा पे इशू करते हो तो इसे कहते हैं इशू ऑफ शेयर एट प्रीमियम, पहली बात। दूसरी बात मैंने बताई कि जब आप शेयर को प्रीमियम पे इशू करते हो तो ये कैपिटल नेचर का रिसीप्ट होता है और इसको आप क्रेडिट करते हो सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट में और ये पार्ट नहीं होता है हमारे शेयर कैपिटल का। दूसरी बात मैंने बताई कि यदि स्टेज क्लियर ना हो, यदि किस स्टेज पे हमें प्रीमियम रिसीव हो रहा है ये स्पेसिफिक मेंशन ना हो, तो हमेशा जो प्रीमियम रिसीव होगा वो किस स्टेज पर रिसीव होगा, अलॉटमेंट के स्टेज पे। क्लियर है, चलिए अगली बात। अब हम आते हैं सिक्योरिटी प्रीमियम का जो ये कैपिटल नेचर का रिसीप्ट है इसको आप कहां कहां यूटिलाइज कर सकते हो, मतलब प्रीमियम के पैसे का यूज आप कहां कहां कर सकते हो, यह थ्योरेटिकल क्वेश्चन है। तो पहला यूज आप कर सकते हो राइट ऑफ प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस। प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस क्या होता है, देखिए जब बिजनेस आप स्टार्ट करते हो, कोई कंपनी जब स्टार्ट करने जाते हो तो उससे पहले कई सारे खर्चे आपको करने पड़ते होंगे, आपको एक लॉयर अपॉइंट करना पड़ता होगा, बाकी चीजें देखनी पड़ती होंगी, डॉक्यूमेंटेशन तैयार करना पड़ता होगा, इसके लिए भी आपको कुछ खर्च करने पड़ते होंगे।
तो कंपनी के फॉर्मेशन से पहले होने वाले सारे खर्चे क्या कहलाते हैं? प्री इनकॉर्पोरेशन एक्सपेंस या प्रीलिमिनरी एक्सपेंस। तो इस तरह के जो भी खर्चे होते हैं उसको खत्म करने के लिए, उनको राइट ऑफ करने के लिए आप यूज कर सकते हो किसका? सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व का, पहला यूज। दूसरा यूज टू राइट ऑफ एक्सपेंसेस, यदि कोई एक्सपेंस होता है, कोई कमीशन देते हो या कोई डिस्काउंट देते हो, किस दौरान? शेयर या डिवेंचर इशू करने के दौरान। देखिए अब शेयर इशू करने आप जा रहे हैं तो आपको प्रोस्पेक्टस छपवाना है, आपको एडवर्टीजमेंट करना होगा कि हमारा शेयर आ रहा है, जो भी आपके शेयर को बेचेंगे उनको आपको कमीशन देना होगा, या कई बार क्या होता है शेयर को तो नहीं लेकिन डिवेंचर को आप डिस्काउंट पे भी इशू करते हैं, मतलब उसकी फेस वैल्यू से कम पे भी इशू करते हैं। तो इस तरह के जो भी शेयर या डिवेंचर से रिलेटेड खर्चे होते हैं, प्रॉस्पेक्टस इशू करना या कमीशन ऑफर करना या डिस्काउंट करना, इसको राइट ऑफ करने के लिए यूज कर सकते हैं। पहला यूज कहां कर सकते थे? प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस को राइट ऑफ करने में। दूसरा, डिस्काउंट कमीशन या एक्सपेंसेस को राइट ऑफ करने में। तीसरा, टू इशू फुल्ली पेड अप बोनस शेयर। बोनस क्या होता है? देखिए जब भी किसी को आप कुछ एक्स्ट्रा पे करते हो, कुछ एक्स्ट्रा पे करते हो तो इसे क्या कहा जाता है? बोनस। बोनस शेयर मिलता किसे है ये देखिए। मान लीजिए आपका कोई एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर है और आपकी कंपनी ने कुछ बड़ा अचीव करा, तो आपने, मतलब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने ये कहा कि हम अब खुश हैं कंपनी के परफॉर्मेंस से, और हर 100 शेयर होल्डर जिनके पास था ना, हर 100 शेयर होल्डर को हम बोनस में 10-10 शेयर देंगे। तो जिसके पास 100 होगा उसको 10 मिलता आएगा, जिसके पास 1000 होगा उसको 100 शेयर और एक्स्ट्रा मिलेगा, मतलब 10% बोनस इशू करेंगे। तो ये बोनस आप कैश में दे रहे हो या एज गिफ्ट दे रहे हो अपने शेयर होल्डर को? एज गिफ्ट दे रहे हो। तो ये इशू करने के लिए आप इस पैसे का इस्तेमाल कर सकते हो, सिक्योरिटी प्रीमियम के पैसे का। नेक्स्ट, आप बायबैक ऑफ इक्विटी शेयर में यूज कर सकते हो। बायबैक का मतलब होता है कि अपने शेयर को वापस से परचेज कर लेना, ठीक है, इसमें यूज कर सकते हो। और यूज कर सकते हो टू पे प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर और डिवेंचर। ये हम बाद में समझेंगे क्या होता है रिडम्पशन, क्या होता है ये भी हम बाद में समझेंगे, और प्रीमियम ऑन रिडम्पशन भी बाद में समझेंगे, अगले चैप्टर में आपको ये ऑटोमेटिक समझ में आ जाएगा। फिलहाल आप ध्यान रखिए 5 जगह यूज हो सकता है सिक्योरिटी प्रीमियम के से कलेक्टेड अमाउंट। पहला, राइट ऑफ प्री इनकॉर्पोरेशन एक्सपेंस। सेकेंड, राइट ऑफ एक्सपेंसेस और एनी कमीशन और एनी डिस्काउंट ऑफर ड्यूरिंग द इशू ऑफ शेयर और डिवेंचर। तीसरा, टू इशू फुल्ली पेड बोनस शेयर। चौथा, बायबैक ऑफ ओन इक्विटी शेयर। और पांचवा, टू पे प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर और डिवेंचर। तो इन 5 बातों को अपने दिमाग में फटाफट बिठा लीजिए, फिर हम आगे शुरू करते हैं चर्चा। जल्दी, 2 मिनट का टाइम मैं दे रहा हूं।
चलिए ये डिस्कशन हो गया, प्रीमियम क्या होता है हमने ये समझा, देन उस प्रीमियम अमाउंट का कहां कहां यूटिलाइजेशन हो सकता है हमने ये समझा। अब आइए जर्नल एंट्री समझते हैं। एक चीज तो माइंड में क्लियर हो गया था हमारे कि यदि स्टेज गिवन ना हो कि कहां पे प्रीमियम का पैसा रिकवर किया जा रहा है, तो हमेशा यह मान के चलेगा कि प्रीमियम का पैसा हमें अलॉटमेंट के साथ रिसीव हो रहा है। तो चलिए पहली जर्नल एंट्री देखिए, रिसीव कब हो रहा है प्रीमियम, अलॉटमेंट के साथ। तो एप्लीकेशन की एंट्री पे कोई फर्क पड़ेगा? बिल्कुल नहीं। तो पहली एंट्री तो वही होगी, ऑन रिसीविंग ऑफ एप्लीकेशन मनी, जो आप करते थे बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। सेकेंड एंट्री क्या करते थे, जब आप उन शेयर को अलॉट करते थे तो एप्लीकेशन अकाउंट से पैसे को ट्रांसफर कर देते थे शेयर कैपिटल अकाउंट में, जो हमारा किस नेचर का होता था, परमानेंट नेचर का अकाउंट। मतलब शेयर से रिलेटेड सारे पैसे को हम कहाँ ट्रांसफर करते हैं, शेयर कैपिटल में। लेकिन अभी अभी हमने पढ़ा था कि प्रीमियम जो रिसीव होगा वो कैपिटल नेचर का होता है, वो शेयर कैपिटल का पार्ट नहीं होता है। अब आती है जर्नल एंट्री किस स्टेज की, अलॉटमेंट की। और अलॉटमेंट पे अभी हमने पढ़ा था कि जो पैसा हमें अगेंस्ट होगा रिसीव किसके, प्रीमियम के, वो कहां पे आप लोगे, अलॉटमेंट पे। अब मेरी बात एक सुनिए, अलॉटमेंट पे आपकी पहली एंट्री क्या होती है, अलॉटमेंट ड्यू करने की, यानी कि आप पैसा मांगते हो। तो एक बात बताइए कि मुझे प्रीमियम का पैसा लेना है, ये मुझे पहले से मालूम होता है या नहीं होता, मुझे मतलब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को? बिल्कुल मालूम होता है। इसका मतलब है कि जब आप अमाउंट ड्यू करोगे अलॉटमेंट का, तो साथ साथ ही मांग लोगे क्या, प्रीमियम का पैसा भी, क्योंकि मुझे दोनों पैसे चाहिए। अब जर्नल एंट्री देखिए क्या होगी, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल तो आप पहले से करते थे नॉर्मल पार पे भी। अब फर्क क्या होगा कि मुझे शेयर अलॉटमेंट पे पैसे चाहिए, शेयर कैपिटल का भी पैसा चाहिए और सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व का भी पैसा चाहिए। मतलब शेयर कैपिटल के अगेंस्ट जो पैसा, शेयर के अगेंस्ट जो पैसा रिसीव होगा वो शेयर कैपिटल में ड्यू करोगे, और प्रीमियम का जो पैसा ड्यू होगा वो सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट में ड्यू करोगे। और फिर अलॉटमेंट मनी रिसीव होने की एंट्री वही नॉर्मल बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, और ये शेयर अलॉटमेंट अकाउंट जो होगा ये शेयर का पैसा भी होगा प्लस प्रीमियम अमाउंट भी होगा। अभी क्वेश्चन के साथ और क्लियर होगा, ठीक है, दोनों पैसे हमें रिसीव होंगे। और इसके बाद कॉल, तो जैसे आप पहले करते थे ड्यू कीजिएगा शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, देन रिसीव कीजिएगा बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट। क्लियर है, जर्नल एंट्री फिर से एक बार देख लीजिए, एप्लीकेशन रिसीव होने की एंट्री जो आप पहले करते थे, सबसे पहले एप्लीकेशन का अमाउंट रिसीव होता था, जर्नल एंट्री होती थी बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, देन सेकेंड एंट्री आपकी होती थी उस एप्लीकेशन अकाउंट में जो पैसा पड़ा था, यदि आप उन क्लास ऑफ शेयर होल्डर्स को शेयर इशू कर रहे हैं तो उस पैसे को आप ट्रांसफर कीजिए शेयर कैपिटल में, जर्नल एंट्री होती थी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। देन नेक्स्ट एंट्री होती थी आपकी अलॉटमेंट ड्यू करने की, जर्नल एंट्री होती थी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। लेकिन यहाँ पे एक चेंज आ रहा है, जब हम अलॉटमेंट का पैसा ड्यू करेंगे तो मुझे दो चीजों के पैसे मांगने हैं, एक तो शेयर का और दूसरा प्रीमियम का। तो दोनों ड्यू करेंगे आप, रिसीव अलॉटमेंट मनी करेंगे, देन फर्स्ट कॉल ड्यू करेंगे और फर्स्ट कॉल मनी को रिसीव करेंगे, ठीक है। चलिए आइए अब हम एक क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन से समझने की कोशिश करते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि कॉमर्स कार्ट लिमिटेड इशू 15,000 इक्विटी शेयर ऑफ 10 ईच एट प्रीमियम ऑफ 20%। देखिए कोई कंपनी है जिसने की कितने शेयर इशू किए हैं, 15,000 शेयर इशू करने हैं ऑफ रुपीज 10 ईच एट 20% प्रीमियम पेबल अलोंग विथ एप्लीकेशन, पेबल अलोंग विथ एप्लीकेशन। इसका मतलब ये कौन सा क्वेश्चन है भाई? सर ये क्वेश्चन है लमसम का, क्योंकि सारा का सारा अमाउंट आप किसके साथ ले रहे हो, एप्लीकेशन के साथ ले रहे हो। ओके, 15,000 शेयर 10 ईच और कहा जा रहा है 20% प्रीमियम। तो एक बात समझिए, ये 20% किसका, ये 20% नंबर ऑफ शेयर का
या ये 20% वैल्यू ऑफ शेयर का प्रीमियम किसका है भाई? जाहिर सी बात है आप प्रीमियम लोगे अपनी वैल्यू पे, तो इसका मतलब है कि आप ₹10 तो शेयर का लोगे और 10 का 20% मतलब ₹2 किस बात का लोगे? प्रीमियम का। तो इस 10 के शेयर को आप 10 में इशू ना करके आप कितने में इशू करोगे? 10 के शेयर को हम इशू करेंगे सर ₹12 में, जिसमें से जो प्रीमियम का ₹2 है वो मैं कहां रिसीव करूंगा? वो मैं रिसीव करूंगा प्रीमियम का अमाउंट विथ एप्लीकेशन, यानी कि ये लमसम का केस है, सारा अमाउंट मैं एप्लीकेशन पर रिसीव करूंगा। तो आइए जर्नल एंट्री देखिए, पहली एंट्री क्या होगी? पहली एंट्री आपकी होती है बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट। शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट क्यों मैंने लिखा? क्योंकि सिर्फ एप्लीकेशन क्यों नहीं लिखा? क्योंकि ये लमसम का केस है। तो देखिए नंबर ऑफ शेयर कितने थे? 15,000, और कितना अमाउंट मैं रिसीव कर रहा हूँ? ₹12। कितना रिसीव कर रहा हूँ मैं? ₹12। 10 रिसीव नहीं कर रहा हूँ, जो मुझे अमाउंट आएगा, जो एप्लीकेशन आएगा, वो इंक्लूडिंग प्रीमियम आएगा। और दूसरी एंट्री क्या होती थी? जब हम अलॉटमेंट करते थे तो इस अमाउंट को ट्रांसफर करने की शेयर कैपिटल में, तो वो एंट्री ध्यान कीजिए क्या होगी? शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। अब गौर से सुनिएगा, मुझे मिला है एप्लीकेशन पे कितने रुपए? ₹12। लेकिन मैंने भी बताया था कि जो प्रीमियम का पैसा होता है वो शेयर कैपिटल का पार्ट नहीं होता है। शेयर कैपिटल में तो भाई आप जो शेयर के अगेंस्ट पैसा रिसीव कर रहे हो बस वही दिखाओगे, और शेयर का पैसा कितना है? ₹10। ₹2 किस बात का है? ये ₹2 है सर प्रीमियम का, और उसे कहां डालना था? हमने अभी पढ़ा था, उसे हम डालेंगे, अभी अभी हमने पढ़ा था कि प्रीमियम के पैसे को आप कहां डालते हो? सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट में। प्रीमियम के पैसे को हम डालते हैं सर सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट में। तो चलिए अब इसे हम कहां डाल देंगे? सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट में। कितने? प्रीमियम का पैसा है ₹2। तो 15,000 शेयर पे हमने ₹12 रिसीव किए, जिसमें ₹10 शेयर का था, वो डाला हमने शेयर कैपिटल में, और ₹2 प्रीमियम का था, इसे हमने डाला सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट में। क्लियर है? चलिए जरा इसे कर लीजिए फटाफट, क्वेश्चन मैं आप लोगों को भेज दूंगा, ग्रुप में डाल दे रहा हूं। आप फिलहाल ये कॉपी कर लीजिए। क्वेश्चन एक बार फिर से गौर कर लीजिएगा, ये क्वेश्चन है आपके सामने कि कंपनी है जिसने 15,000 इक्विटी शेयर इशू करा है, ₹10 का एक इक्विटी शेयर है, ₹10 इस शेयर के लिए क्या कहलाएगा? ये कहलाता है इस शेयर का फेस वैल्यू, और 10 के शेयर को हम 10 में इशू ना करके प्रीमियम पे इशू कर रहे हैं। कितने प्रीमियम पे? 20%। तो 10 का 20%, 10 तो मुझे चाहिए ही, प्लस 10 का 20% और चाहिए, मतलब ₹12 चाहिए पर शेयर, और इसकी हमने ये
एंट्री पास करिए। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट एक क्वेश्चन और देखते हैं इंस्टॉलमेंट का। क्वेश्चन है आपके सामने, एक्स लिमिटेड वाज रजिस्टर्ड विद 50,000 शेयर ऑफ 10 ईच। ये 50,000 पता है क्या कहलाएगा? ऑथराइज शेयर, ऑथराइज नंबर ऑफ शेयर। और ऑथराइज कैपिटल क्या होगा? 50,000 मल्टीप्लाई बाय जो वैल्यू होगी शेयर की, कितनी है? 100 ईच। तो कंपनी के पास ऑथराइज नंबर ऑफ शेयर है 50,000 ऑफ 100 ईच, आउट ऑफ विच इट इशूड 25,000 इक्विटी शेयर एट प्रीमियम ऑफ 40%। 50,000 शेयर हमारे पास थे, लेकिन इन 50,000 शेयर में से हमने कितना इशू करने का सोचा? हमने सिर्फ 25,000 शेयर इशू करने का सोचा। और कितने परसेंट प्रीमियम पे? 40% प्रीमियम पे। चलिए पेमेंट कैसे कैसे रिसीव होगा, देखिए इस 40% का मतलब फिर से समझिए। वैल्यू क्या थी हमारी शेयर की? 100। तो 40% 100 का 40% मेरे ख्याल से 40 होगा। इसका मतलब आप इन शेयर पे अब 100 रुपए तो लोगे शेयर का, और 40 रुपीज किस बात का लोगे? प्रीमियम का। सर 100 रुपीज लेना है हमें शेयर का और 40 रुपीज लेना है प्रीमियम का, टोटल 140 लेना। आइए पेमेंट रिसीव कैसे कैसे कर रहे हैं। ऑन एप्लीकेशन हम ले रहे हैं 60, जिसमें से 10 रुपए प्रीमियम का भी इंक्लूड है। इसका मतलब समझ रहे हो क्या है? 60 रुपए जो हम ले रहे हैं, इस 60 में 10 प्रीमियम है। इसका मतलब 50 शेयर का है और 10 किस बात का है? प्रीमियम का है। क्लियर? नेक्स्ट अलॉटमेंट पे हम ले रहे हैं 50, जिसमें 20 रुपए प्रीमियम का है। 50 में 20 प्रीमियम का, तो शेयर का कितना? इसका मतलब यहां हमने शेयर का 30 रुपए लिया होगा और प्रीमियम का 20 रुपए लिया होगा। और बैलेंस कह रहा है कॉल पे, तो सबसे पहले तो बैलेंस पता कीजिए क्या है। देखिए शेयर का हमें टोटल कितना लेना था? शेयर का सर हमें लेना था 100 रुपीज, और हम शेयर का ले कितना चुके हैं ये देखिए, हम अब तक ले चुके हैं 50 प्लस 30 80 हम ले चुके हैं सर। इसका मतलब शेयर का अब भी लेना कितना बाकी है? 20। तो ये टोटल हो जाएगा 100। ओके। और प्रीमियम का कितना लेना था? प्रीमियम का लेना था 40। ले कितना चुके हो आप? 10 ले चुके हो एप्लीकेशन पे, 20 ले चुके हो अलॉटमेंट पे, तो 30 रुपीज ले चुके हो प्रीमियम का। इसका मतलब 10 और लेना बाकी है, तो 50 प्लस 10 हम लेंगे एप्लीकेशन पे, 30 प्लस 20 लेंगे हम अलॉटमेंट पे, और 20 प्लस 10 लेंगे हम कॉल पे। अब आपको सर अभी अभी आपने कहा था कि हम प्रीमियम का पैसा अलॉटमेंट के स्टेज पर रिसीव करते हैं। देखिए वो अगर कुछ स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन ना हो क्वेश्चन में तो हम अलॉटमेंट पर रिसीव करते हैं। यहाँ क्वेश्चन ने साफ साफ मेंशन कर रखा है कि प्रीमियम का पैसा हम तीनों अलग अलग स्टेज पर रिसीव कर रहे हैं, 50 प्लस 10 एप्लीकेशन पे, 30 प्लस 20 अलॉटमेंट पे, और 20 प्लस 10 कॉल पे। जरा इस क्वेश्चन को तब तक समझिए, फिर मैं सॉल्व करता हूं इस क्वेश्चन को। चलिए अब हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ध्यान रखिएगा, पेमेंट समझाने के लिए मैं ऊपर लिख दे रहा हूं, 50 प्लस 10 एप्लीकेशन पे हम ले रहे थे, 30 प्लस 20 हम अलॉटमेंट पे ले रहे थे, और 20 प्लस 10 हम कैसे ले रहे थे? कॉल पे। चलिए पहली एंट्री, पहली एंट्री मेरे ख्याल से होती है एप्लीकेशन रिसीव होने की, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, नंबर ऑफ शेयर जो हमने इशू किया है 25,000 है,
और अमाउंट जो रिसीव कर रहे हैं एप्लीकेशन पे, हम 50 प्लस 10 यानी कि 60 रुपीज रिसीव कर रहे हैं, ठीक है। दूसरी एंट्री होती है, ये जो भी टेम्प्रोरी अकाउंट में पैसा पड़ा है उसको यदि हम शेयर अलॉट करते हैं तो उसके परमानेंट नेचर का जो भी अकाउंट है वहाँ ट्रांसफ़र करते हैं। तो ध्यान दीजिए, इस 60 में दो तरह के पैसे हैं। 50 रुपये तो शेयर का पैसा है जिसे हम कहाँ डालते हैं, शेयर कैपिटल में, और 10 रुपये है सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व का पैसा, ठीक है। दोनों अलग अलग जगह ट्रांसफ़र होगा, दोनों के परमानेंट अकाउंट का नेचर अलग अलग है, तो ट्रांसफ़र कीजिए। आइए, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट 25,000 मल्टीप्लाई बाय 60, ये रिसीव है मुझे 2। शेयर कैपिटल में ट्रांसफ़र कर देंगे जो पैसा शेयर के अगेंस्ट रिसीव हुआ, और शेयर के अगेंस्ट मुझे रिसीव हुआ है 50 रुपीज़, और सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट में हम वो अमाउंट ट्रांसफर करेंगे जो हमें प्रीमियम के अगेंस्ट रिसीव हुआ है, मतलब 10 रुपीज। चलिए, एप्लीकेशन के स्टेज की जो ये दो एंट्री है, इन दोनों एंट्री को समझिए। क्लियर है? चलिए, फटाफट नोट डाउन कर लीजिए। एप्लीकेशन की एंट्री फटाफट नोट डाउन कर लीजिए। नेक्स्ट एंट्री है हमारे अलॉटमेंट की। चलिए, हम करते हैं थर्ड एंट्री, नोट डाउन कीजिए जब तक कि नहीं कराया गया है। तो अब अलॉटमेंट ड्यू होगा हमारा, सबसे पहले शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, मुझे अलॉटमेंट पे चाहिए थे 50 रुपीज, जिसमें से कि शेयर का पैसा चाहिए था मुझे 30 रुपीज, और जो प्रीमियम का पैसा है वो भी ड्यू कीजिए। कितना था वो, 50 में 30 तो शेयर का था और 20 था हमारे प्रीमियम का पैसा। क्लियर है? नरेशन अगर आप कहेंगे क्या लिखेंगे सर, तो लिखेंगे आप बीइंग अलॉटमेंट मनी ड्यू विथ प्रीमियम, बीइंग अलॉटमेंट मनी ड्यू विथ प्रीमियम। चलिए, अलॉटमेंट मनी ड्यू कर लिया हमने। इसके बाद नेक्स्ट एंट्री क्या होती है अलॉटमेंट मनी को रिसीव करने की, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट रिसीव होगा मुझे 50 रुपीज। अलॉटमेंट मनी रिसीव हो गया,
ठीक है, देन मैं फर्स्ट कॉल मनी ड्यू करूंगा, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल शेयर, यहां भी मुझे प्रीमियम लेना है, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट, यहां मुझे चाहिए था 20 प्लस 10 यानी कि 30 रुपीज, जिसमें से 20 रुपीज का चाहिए था मुझे, 20 रुपीज, और सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व का चाहिए था मुझे 10 रुपीज। ये मैंने फर्स्ट कॉल ड्यू करा, अगेन नरेशन वही लिखोगे, बीइंग फाइनल कॉल, फर्स्ट ही फाइनल है, फर्स्ट एंड फाइनल लिखो, फाइनल कॉल ड्यू विथ प्रीमियम, और ड्यू करने के बाद आप क्या करोगे, इसे रिसीव करोगे उसकी एंट्री, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट। अब ये 30 रुपीज आप रिसीव कर लोगे, ठीक है। फिर से एक बार समझते हैं हम, क्वेश्चन ध्यान दीजिए क्या है, क्वेश्चन ये है हमारे सामने, एक एक्स लिमिटेड है जो कि रजिस्टर्ड है 50,000 शेयर ऑफ 100 ईच, आउट ऑफ विच इस 50,000 में से इशू 25,000 इक्विटी शेयर एट प्रीमियम ऑफ 40% पेबल एज ऑन एप्लीकेशन 60 इंक्लूडिंग 10 प्रीमियम, 60 रुपए में 10 रुपए प्रीमियम का इंक्लूड है, इसका मतलब शेयर का कितना है, 60 में 10 प्रीमियम का है, इसका मतलब 50 किस बात का है, शेयर का, और 10 किस बात का है, प्रीमियम का, तभी टोटल 60 है। नेक्स्ट कह रहा है ऑन अलॉटमेंट 50 इंक्लूडिंग 20 प्रीमियम, 50 में 20 प्रीमियम का अमाउंट है, इसका मतलब शेयर के अगेंस्ट कितना है, टोटल 50 में 20 तो प्रीमियम का है, तो शेयर का कितना बचा, जो बैलेंस बचा 30, और कह रहा है एंड बैलेंस ऑन कॉल, तो सबसे पहले अब ये देखना होगा कि बैलेंस बच क्या रहा है। देखिए शेयर का मुझे टोटल कितना लेना था, 100 रुपीज, तो चलिए पहले शेयर का चेक करते हैं, शेयर के अगेंस्ट हमने 50 रुपीज रिसीव किया है ऑन एप्लीकेशन, एंड शेयर के अगेंस्ट हमने 30 रुपीज रिसीव किया है ऑन अलॉटमेंट, तो 50 प्लस 30, अब तक हमने क्या रिसीव कर लिया, 80, 100 में 80 रिसीव हो चुका है, तो बैलेंस क्या बचा, 20, ये 20 बचा बैलेंस किसके अगेंस्ट, शेयर के अगेंस्ट, तो ये टोटल हो गया शेयर का अमाउंट हमारा 100, प्लस मुझे लेना था 40 रुपीज किसका, प्रीमियम का, देखिए अब तक कितना लिया, 10 हमने लिया एप्लीकेशन पे, 20 लिया अलॉटमेंट पे, तो बैलेंस क्या बच रहा है 40 में 10, ये 10 अब हम कब लेंगे, कॉल पे, ठीक है। जर्नल एंट्री पास करनी हमें, सबसे पहली एंट्री एप्लीकेशन रिसीव होगी हमें, सबसे पहले एप्लीकेशन रिसीव होने की जर्नल एंट्री क्या होगी, एप्लीकेशन रिसीव होगी मुझे 25,000 शेयर पे क्या था, 50 प्लस 10, 60 रुपीज, तो 25,000 मल्टीप्लाई बाय 60, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, देन क्या होता है जब आप शेयर अलॉट करते हो तो इस अमाउंट को जो आपके एप्लीकेशन अकाउंट में पड़ा हुआ पैसा है इसे उनके रिस्पेक्टिव हेड में ट्रांसफर करते हो, और रिस्पेक्टिव हेड यहाँ दो है, जो शेयर का पैसा है वो शेयर कैपिटल में, जो प्रीमियम का पैसा है वो सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व में, ट्रांसफर किया हमने शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट 25,000 मल्टीप्लाई बाय 60 टू शेयर कैपिटल 25,000 मल्टीप्लाई बाय 50, क्योंकि 50 रुपये शेयर का था और जो प्रीमियम का था वो सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट। ये थी एप्लीकेशन से रिलेटेड एंट्री। एप्लीकेशन के बाद क्या होगा, देन अलॉटमेंट होगा सर,
तो अलॉटमेंट से रिलेटेड एंट्री में सबसे पहले आप अलॉटमेंट ड्यू करोगे, तो मुझे अलॉटमेंट पे चाहिए जनरल एंट्री होती थी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल नॉर्मल पार पे, लेकिन यहाँ होगा शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटी प्रीमियम यदि प्रीमियम चाहिए। मुझे टोटल चाहिए था अलॉटमेंट में 50 रुपये, जिसमें से 30 रुपीज़ शेयर का और 20 रुपीज़ प्रीमियम का, उनके हेड में हमने ड्यू करा। और फिर मुझे ये 50 रुपीज़ रिसीव होगा, जनरल एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट टू, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। देन फिर बात आएगी हमारे फर्स्ट कॉल की, मैं ड्यू करूंगा शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू, टोटल मुझे कितने चाहिए 30 रुपीज़, जिसमें से 20 चाहिए शेयर का और 10 चाहिए प्रीमियम का, उनके हेड में हमने ट्रांसफर किया। फिर हम ये रिसीव करेंगे फर्स्ट एंड फाइनल कॉल शेयर बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट। नरेशन अगर आप लिखना चाहो लिख लो, बीइंग फाइनल कॉल मनी रिसीव्ड विथ प्रीमियम या टुगेदर विथ प्रीमियम, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में तीनों ही स्टेज पे हमें रिसीव करना था, तीनों ही स्टेज पे हमें रिसीव करना था क्या प्रीमियम का अमाउंट। यदि क्वेश्चन में स्पेसिफिक नहीं होता है प्रीमियम का अमाउंट कहाँ पे रिसीव होगा, तो हमेशा वो कहाँ रिसीव होता है अलॉटमेंट के स्टेज पे, इस बात का ध्यान रखिएगा। तो अब तक फिर से एक बार मैं रिकॉल कर दूं, हमने ये हमारी फोर्थ क्लास थी, हमने पहली क्लास में क्या पढ़ा था, कंपनी क्या होता है पहली बात, दूसरी बात हमने पढ़ी थी शेयर क्या होता है, सेकंड क्लास में हमने सीखा था शेयर कैपिटल के बारे में, थर्ड क्लास में हमने सीखा था इशू ऑफ शेयर एट पार, और नेक्स्ट क्लास में हम सीखते जा रहे हैं, आज हमने सीखा है इशू ऑफ शेयर एट प्रीमियम। एक चीज ध्यान दीजिएगा, कंपनी के केस में पुरानी सारी बातें सेम होंगी, आप जो रोज नया सीखेंगे ना वो उसी में कुछ एक एड ऑन होता चला जाएगा। देखिए आज कुछ एंट्री बदली है क्या, आज एंट्री नहीं बदली, आज सिर्फ एक नई एंट्री उसी में हमने ऐड करा है सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व का, बाकी बेसिक एंट्री सेम है। इसी तरह आप नेक्स्ट क्लास में जो पढ़ोगे, उसके नेक्स्ट क्लास में जो पढ़ोगे, जो भी पढ़ते जाओगे ना, उसमें ये पिछली सारी बातें हमेशा रिपीट होती रहेंगी। तो आज मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अब तक जो भी आपने पढ़ा है उसको बिल्कुल अच्छे से रिवाइज कर लेंगे, और उसके बाद अगली क्लास में हम नए टॉपिक के साथ क्लास को कंटिन्यू करेंगे।